गोरखपुर में होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की रीशेड्यूलिंग होने के बाद तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। पहले भारतीय हॉकी महिला टीम ए एवं फ्रांस महिला ए टीम के बीच मैच 11 फरवरी को होना था, लेकिन उसे 10 फरवरी को कराया जा रहा है। ये मैच अब दोपहर 2:30 बजे से फिर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम के स्टोट्रफ मैदान पर खेला जाएगा। तैयारियों की देखरेख का जिम्मा क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अरुणेंद्र कुमार पांडे ने उठाया। अरुणेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि भारत और फ्रांस की टीम 9 फरवरी को दोपहर तक गोरखपुर आ जाएंगी। गोरखपुर हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरज सिंह हरीश ने बताया कि गोरखपुर पहुंचने के बाद टीम कुछ देर आराम करेंगी। इसके बाद दोनों ही टीमें 3:30 बजे अभ्यास के लिए वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचेंगी, जहां लगभग 1 घंटे तक अभ्यास सत्र चलेगा। इसके बाद टीमें वापस अपने होटल लौट जाएंगी। अगले दिन सुबह फिर टीमें पहले अभ्यास करेंगी, उसके बाद 2:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। भारत और फ्रांस के मध्य 4 मैचों की सीरीज हो रही है, जिसमें गोरखपुर में सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। मैच देखने के लिए 500 वीआईपी लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ ही 2000 अन्य लोगों के लिए भी बैठने की व्यवस्था की जा रही है। मैच को गोरखपुर की जनता निःशुल्क देख सकेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अरुणेंद्र कुमार पांडे और गोरखपुर हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरज सिंह हरीश ने कहा, तो पानी वेस्ट होते हैं, फिर हम लोग वो करते हैं, तो पानी उसमें भी चला जाता है, हमारे घरों में भी चला जाता है। हो गया गोरखपुर, हो गया इटावा में दो है, इटावा में एक सफाई है, अठवां जो पानी वेस्ट होते हैं, फिर हम लोग वो करते हैं, वो पानी उसमें भी चला जाता है, हमारे घरों में भी चला जाता है। हो गया गोरखपुर, हो गया इटावा में दो है, इटावा में एक सफाई है, अठवां चलो कोई बात नहीं, नहीं रिविल करता हूँ, रिविल एक मिनट को जो हीट मारा इस साइड में, हमेशा देखो ग्रिप ना थोड़ा सा अंदर डाउन करके मारो आराम से, ये चिपक के जाएगा। हम जब उसको बाल को ये बॉडी हमारा इम्पैक्ट जो सही बॉलेट सामने से ही आएगा, लेकिन जब हम यहाँ रहेंगे हाथ मारेंगे ये उड़ गया, उड़ गया ना। क्या नाम था इसका? हिमांशी गुप्ता। एके पांडे, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी। हॉकी का हॉकी में जितनी भी प्रतियोगिताएं अब हो रही हैं, राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, यहां तक कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं भी एस्ट्रोटर्फ पर होती है। पहले हॉकी का खेल नेचुरल ग्रास पर होता था, परंतु नेचुरल ग्रास पर कुछ दिक्कतें थीं जिसकी वजह से एस्ट्रोटर्फ लागू हुआ। एस्ट्रोटर्फ है वास्तव में, अगर हम लोग स्थानीय भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल ग्रास है, सिंथेटिक ग्रास है जिस पर खेल होता है, और बरसात में या अन्य किसी भी समय जहां नेचुरल ग्रास में बाधा आती है, वहाँ एस्ट्रोटर्फ में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। ये कुल 7.25 करोड़ की लागत से वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण हुआ है, और अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया था। 10 तारीख को स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रतियोगिता के, जो भारत और फ्रांस के बीच में जो टेस्ट मैच आयोजित होने वाला है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की संभावना है।
तो ये गोरखपुर के लिए एस्ट्रोटर्फ पर उद्घाटन मैच अंतर्राष्ट्रीय मैच के माध्यम से मिल रहा है। ये हम सब गोरखपुर वासियों को गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा से, योगी जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, ये हम सब लोगों को गोरखपुर वासियों को एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी देखने का अवसर प्राप्त होगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस गोरखपुर की धरती पर, गुरु गोरक्षनाथ जी की धरती पर, किसी भी खेल में यह पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम के बीच में और फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के बीच में होने जा रहा है, जिसका आयोजन 10 तारीख को, 10 फरवरी को आगामी है। दोनों इंडिया और फ्रांस की टीमें 9 तारीख को अपराह्न दोपहर तक आ जाएंगी और 10 को दोनों टीमें मैच खेलेंगी। यह गोरखपुर के लिए और इस पूर्वांचल के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम सभी के लिए, खेल प्रेमियों के लिए, गोरखपुर की जनता के लिए, गोरखपुर के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक एस्ट्रोटर्फ, वीर बहादुर सिंह एस्ट्रोटर्फ पे एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का आयोजन हो रहा है। निश्चित तौर पे हम सभी खेल प्रेमी और हॉकी संघ इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, खेल मंत्री चेतन चौहान जी को, उत्तर प्रदेश के खेल डायरेक्टर डॉक्टर आरपी सिंह जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके अथक प्रयास और उनके सहयोग से यह आयोजन आयोजित करने का अवसर उत्तर प्रदेश सरकार और खेल इंडिया को प्राप्त हुआ है। मैं आशा करता हूं कि गोरखपुर की जनता को इस खेल के माध्यम से और इस हॉकी मैच के माध्यम से एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी।